मदर ने ही फादर को मार डाला था, पर इसके पीछे बहुत सारे राज दफन हैं। बाप और बेटी की रिलेशनशिप ये बहुत ही अजीब सी थी। घर में जो भी हो रहा था इस सब से ब्रदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। पैरेलल में उसका भी अपनी नेबर के साथ अफेयर चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी थीम पर बेस्ड बैक रोड से 2018 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में आने वाले ट्विस्ट आपको दंग करके रखेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर हार्ली को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस उसे पूछते हैं, तुम्हारे पास राइफल थी, तुम उसे दूर से मार सकते थे, तो पास जाकर तुमने क्यों मारा? अगर तुम चाहते तो इस सारी सिचुएशन को एज ए एक्सीडेंट भी दिखा सकते थे। अब इसके बाद फ्लैशबैक में जो भी हुआ था इस सारी चीजों के बारे में हमें पता चलेगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हार्ली अपनी तीन सिस्टर के साथ अकेला रहता था। उसकी मदर ने उसके फादर का मर्डर कर दिया था और इस इल्जाम में वो सजा काट रही थी। हार्ली की तीन सिस्टर में से सबसे बड़ी सिस्टर थी जिसका नाम था एम्बर, एक छोटी सी सिस्टर जिसका नाम था जोडी और एक मिडल सिस्टर जिसका नाम था मिस्टी। हार्ली आज घर आकर देखता है तो एम्बर जोडी का ख्याल नहीं रख रही। इसके बारे में हार्ली ने मिस्टी से पूछा तो मिस्टी कहती कि आज एम्बर की डेट है, तो इस वजह से वो जोडी का ख्याल नहीं रखेगी। रात में हार्ली को काम करना पड़ता है तो जोड़ी सेफ है ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एम्बर का इस तरीके से डेट पर जाना ये उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एम्बर सीरियसली डेट नहीं करती। जो भी उसके पार्टनर्स होते हैं उनके साथ वो कभी भी सीरियस नहीं होती। हार्ली एम्बर को कन्फ्रंट करने के लिए गया। एम्बर उसे कहती है, मेरी एक लाइफ है, तुम्हें सिर्फ काम करना पड़ता है, इस वजह से तुम जेलस हो, तुम्हें कोई भी लड़की भी नहीं मिलती। हार्ली को इस बात से बहुत बुरा लगता है। वो बेचारा बहुत मेहनत करता था और अपनी सिस्टर्स का अच्छे से ख्याल रखता था। वो कितना भी थका हुआ हो फिर भी जोड़ी से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। रात में हम हार्ली को एक सुपर शॉप में काम करता हुआ देखते हैं। वहां पर उसने अपने एक नेबर को नोटिस किया जिसका नाम था कैली। केली की डॉटर और जोड़ी ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स थी, इसी वजह से हार्ली कैली को जानता था। हार्ली कैली को देख रहा था तो कैली ने भी ये बात नोटिस की, उसके पास आकर उसे बात करती है। कैली कहती कि मेरी डॉटर को जोड़ी की याद आ रही थी, एक रात उसे डिनर के लिए हमारे यहाँ रुकना चाहिए। हार्ली भी इस बात के लिए मान जाता है। रात में वो सोया हुआ था तभी उसे एम्बर और उसके बॉयफ्रेंड की आवाज आने लग गई। हार्ली देखता है तो वो इंटीमेट हो रहे थे। उसने गन निकाली और बाहर जाकर वो हवा में शूट करता है। ये देखकर एम्बर के साथ जो लड़का था वो डर गया और वहां से वो भाग जाता है। एम्बर जिस काउच पर थी उसे हार्ली ने निकाल कर डायरेक्टली जला दिया। एम्बर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अगले दिन हम देखते हैं हार्ली जोड़ी के साथ अपनी मदर को देखने के लिए जा रहा था। मदर को सजा होने के बाद ये फर्स्ट टाइम उसे मिलने के लिए जा रहे हैं। जोड़ी बहुत ही छोटी है पर फिर भी एम्बर जिस तरीके से अपनी लाइफ जीती है इसे देखकर वो वरी करती है। हार्ली ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं होगा। घर की सारी जिम्मेदारियां हार्ली के ऊपर आने के बाद इस बोझ में वो दब चुका था। उसे घर की नॉर्मल चीजें भी पता नहीं थी। वो अपनी मदर से पूछता है कि लाइट बल्ब कहाँ है। जोड़ी अपनी मदर को उसके ड्रॉइंग्स वगैरह दिखा रही थी और मदर ने हार्ली से बात की, कहा कि तुम बहुत ही अजीब लग रहे हो। हार्ली ने कहा कि तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लग रहा है, तुम जानबूझकर यहाँ आई हो। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया और वहीं पर कोलैप्स्ड हो जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से अब वो अपनी मदर से नहीं मिल पाएगा। कोर्ट ने उसे मैंडेटरी थेरेपी में भेजा था जहाँ पर उसे साइकोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ती है। हार्ली अपनी प्रॉब्लम्स बताता है तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जोड़ी का ख्याल रखने के लिए तुम अपने रिलेटिव्स को पूछ सकते हो। हार्ली ने कहा कि फादर के यहाँ के कोई भी रिलेटिव हमसे संबंध नहीं रखते और फादर के यहाँ के अंकल माइक ये उनसे मिलने के लिए कभी कभी आया करते हैं, पर उसे पता नहीं कि क्या उन्हें हेल्प कर भी सकते हैं। थेरेपिस्ट ने पूछा कि तुम अपनी सिस्टर्स के लिए इतने वरीड क्यों होते हो। हार्ली कहता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है और ये बहुत ही बुरा होगा। थेरेपिस्ट ने पूछा कि अगर तुमने किसी लड़की को प्रेग्नेंट किया तो तुम क्या करोगे। हार्ली कहता है, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसे शादी करूंगा। अगर उसे प्यार भी नहीं करता फिर भी पूरी लाइफ तक उसके साथ रहने के लिए रेडी था, पर उसका मानना था अगर वो किसी लड़की के साथ होगा तो उससे हमेशा बहुत प्यार करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैली के डॉटर के साथ खेलने के लिए जोड़ी आई हुई थी। हार्ली उसे पिकअप करने के लिए आया। कैली से वो बात करता है तो कैली ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। डिनर के वक्त कैली ने कहा कि जोड़ी को आज का डिनर बहुत अच्छा लगा था। हार्ली नोटिस करता है कि जो रेसिपी वो बनाता है ये जोड़ी को अच्छी नहीं लगती, तो कैली ने उसे रेसिपीज की बुक देने का प्रॉमिस किया। ये दोनों बातें करने लग गए थे तो कैली हार्ली के इंटरेस्ट के बारे में जान लेती है। कैली को आर्ट में इंटरेस्ट था और हार्ली को भी कुछ पेंटिंग्स के बारे में पता था। वो कहता है कि एक पेंटिंग मुझे क्या फील कराती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात से कैली ने एग्री किया। इन दोनों के पेंटिंग्स को लेकर चॉइस बहुत ही सेम थे।
रात में घर पर आने के बाद एम्बर हार्ली से बात करती है। उसे अपनी कार ड्राइव करने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी, पर इसके लिए $1,000 लगने वाले थे। हार्ली इसके लिए मना करता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। एम्बर पूछती कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं होते, डैड तो सब कुछ सही से कर लेते थे। हार्ली कहता है वो कंस्ट्रक्शन में थे, मुझे वहां पर जॉब नहीं मिलता, स्लोली स्लोली सब कुछ ट्राई कर रहा है। एम्बर सब चीजों पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। एक दिन कैली ने हार्ली को रेसिपीज और पेंटिंग की बुक गिफ्ट की, जो हार्ली को बहुत अच्छी लगती है। एक दिन काम करते वक्त कैली फिर से उसे मिली, पूछती है तुम्हें पेंटिंग्स के बारे में क्या लगा था। हार्ली कहता है कि एडम और ईव की वो पेंटिंग बहुत ही एक्यूरेट थी। एडम जंगल में सारी चीजें फिगर आउट करने का ट्राई कर रहा था और ईव जो है उसमें एडजस्ट करने का ट्राई कर रही थी। ये हार्ली का ऑब्जर्वेशन कैली को अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हार्ली के अंकल माइक उसे मिलने के लिए आए हुए थे। वो उन्हें घर में थोड़ी थोड़ी हेल्प करते रहते हैं। उनका बेटा अब यूनिवर्सिटी में, जिस पर वो बहुत ही प्राउड थे। उसके सारे फोटोज उसने हार्ली और एम्बर को दिखाए। ये दोनों उस पर जलते थे तो उसका मजाक उड़ाते। ये बात अंकल माइक को अच्छी नहीं लगती और वहां से वो चले गए। आज इवनिंग में हार्ली बहुत ही सुकून से अपने यार्ड में सो गया था। जब उसकी नींद खुली तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर से उसे पैनिक अटैक आने लग गया था। वो भागते भागते कैली के घर तक पहुंच गया। कैली बाहर आई और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो भागते भागते जंगल तक पहुंच गया था। कैली उसके पीछे पीछे गई तो डायरेक्टली उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। कैली भी उसे कंफर्ट करना चाहती थी तो कुछ भी बात बोलती नहीं। सुबह होने पर कैली उसके साथ नहीं थी। वो जब घर पर आया तो मिस्टी एक गन से शिकार कर रही थी। ये देखकर उस पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम्हारी उम्र नहीं है। मिस्टी को ऐसा नहीं लगता। मिस्टी अपने आप को अभी से बहुत बड़ा मानती है। घर के बाहर हार्ली ने जोड़ी को देखा, उसके हाथ में खून से लथपथ एक टी शर्ट था। इतनी छोटी लड़की को हार्ली इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था। आज रात हार्ली के स्टोर पर कैली फिर से अपने बच्चों को लेकर शॉपिंग करने के लिए आई। वो दिन भर काम कर बहुत थक जाती थी और शॉपिंग करना उसे अच्छा लगता था। कल रात जो भी हुआ इसके बारे में वो बात करते हैं। कैली को समझ में नहीं आ रहा था कि जो भी हुआ ये सही हुआ या गलत। वो हार्ली से कहती है कि मेरे दो किड्स हैं, मेरा हस्बैंड है। हार्ली कहता है मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, उसे उसके साथ अच्छा लगता है। ये सब सुनकर कैली ने अगले दिन अपने घर पर उसे इन्वाइट कर लिया। वैसे भी उसका हस्बैंड कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन था। रात में दोनों मिले और कैली ने हार्ली से पूछा कल तुम डिस्टर्ब थे, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। हार्ली इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था और इसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। हार्ली को कैली के साथ होना बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह जब वो घर पर आता है तो एम्बर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, कहती है तुम रात भर कहाँ थे, घर पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। उनकी सिस्टर मिस्टी के पास एम्बर को $1,000 मिले थे। हार्ली ने उसे कन्फर्म किया तो मिस्टी कहती है ये पैसे मदर के हैं, वो हम सबको लेकर यहाँ से भाग जाने वाली थी। ये पैसे हार्ली ने उसे ले लिया। एम्बर खुश थी कि अब वो लाइसेंस ले सकेगी, पर हार्ली उसे मना कर देता है। उसने कहा कि हमें घर के टैक्सेस भरने पड़ेंगे और ये पैसे वो नहीं दे सकता। एम्बर इस बात से और भी ज्यादा अपसेट हो गई। आज आफ्टरनून में ही हार्ली डायरेक्टली कैली से मिलने के लिए पहुंच जाता है। कैली उसे कहती है कि इस तरीके से तुम कभी भी मुझे मिलने के लिए नहीं आ सकते, मेरा हस्बैंड घर पर हो सकता है। हार्ली दो जॉब्स करता है तो दिन भर उसे भी टाइम नहीं मिल पाता। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि रेल रोड्स के यहाँ पर ही दोनों मिलेंगे। इसके बाद ये दोनों वीक में एक दिन टाइम फिक्स कर मिलने लग गए थे। एक रात जब ये दोनों साथ थे तो इन्हें लगता है शायद इन पर कोई नजर रख रहा है। हार्ली ने जाकर चेक किया तो कोई भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम हार्ली को फिर से अपनी थेरेपिस्ट से बात करता देखते हैं। हार्ली ने कहा क्या बच्चों को मारना ठीक होता है। हार्ली को उसके फादर मारते थे तो ये बात उसे नॉर्मल लगती थी। थेरेपिस्ट ने पूछा क्या तुम्हारे फादर ने कभी भी तुम्हारे सिस्टर को अब्यूज किया था। थेरेपिस्ट के मिस्टी के साथ भी सेशन हुए थे और उससे उसने बात पहचान ली थी। हार्ली को ये बात पूरी तरीके से झूठ लगती है। जब वो घर पर आया तो एम्बर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़कर जा रही थी। जोड़ी एम्बर को ज्यादा देखकर रोने लग जाती है। हार्ली ने एम्बर को रोकने की कोशिश की पर अपने ड्राइवर लाइसेंस को लेकर बहुत गुस्सा थी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। जोड़ी ने हार्ली से कहा तुम्हें एम्बर को जाने नहीं देना चाहिए था। हार्ली कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि एम्बर फिर से वापस आ जाएगी, उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देगा और वो फिर से घर ही आने वाली है। हार्ली अकेले में जोड़ी से पूछता है कि जाने से पहले एम्बर क्या बात कर रही थी। जोड़ी ने कहा कि एम्बर और मिस्टी दोनों बात कर रही थी, उनके बीच में कुछ सीक्रेट था तो उन्होंने मुझे सुनने नहीं दिया। जोड़ी कहती है सीक्रेट को सेफ रखने के लिए मुझसे अच्छी मिस्टी है। हार्ली उसे पूछता है कि उस दिन खून का शर्ट तुम्हें मिला था क्या वो मिस्टी का था। जोड़ी ने कहा कि हाँ। हार्ली ने पूछा कि वो ब्लड किसका था। जोड़ी कहती कि वो डैडी का था।
हार्ली को लगा था कि उसकी मदर ने जब उसके फादर को मारा तब मिस्टी मॉल पर थी। इसके बारे में जब वो जोड़ी से पूछता है तो जोड़ी ने कहा कि मिस्टी घर पर थी। फादर को मारने के बाद मदर ने मिस्टी को मॉल पर छोड़ दिया था। मदर फिर जंगल में चली गई, वहां पर कुछ खोदने लग गई। मुझे लगा था कि उस गड्ढे में वो फादर को डाल देगी, पर उसने मिस्टी का टी शर्ट उस गड्ढे में डाल दिया। क्या तुमने मदर को फादर को मारते हुए देखा था? जोड़ी कहती कि मैं बहुत ही डर चुकी थी तो अपने रूम में थी। हार्ली अब समझ जाता है कि एक्चुअल में उसके फादर को मिस्टी ने मारा था। मदर ने सारी चीजों का ब्लेम ले लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हार्ली ने अपने लॉयर से बात कर अपनी मदर से मिलकर मीटिंग अरेंज की। हार्ली अपनी मदर से पूछता है, क्या तुम हम सबसे भाग रही थी? क्या इसी वजह से तुमने सब कुछ ब्लेम लिया? मुझे पता है कि ये सब मिस्टी ने किया है। मिस्टी एक माइनर है, अगर तुम पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती तो उसे भी प्रॉब्लम नहीं आता और तुम भी बाहर होती। मदर ने कहा कि इतना सब कुछ सिंपल नहीं था। एक्चुअल में मिस्टी मदर को मारना चाहती थी और उसके फादर उसके सामने आ गए। हार्ली ने पूछा कि ऐसा क्यों? मदर कहती है क्योंकि वो मुझसे जेलस थी। अब हमें पता चलता है कि थेरेपिस्ट जिस अब्यूज के बारे में बात कर रही थी ये एक्चुअल में हुआ था। इन रियलिटी इनके फादर मिस्टी को अब्यूज करते थे। इस अब्यूज के खिलाफ कभी भी मदर कुछ भी बोलती नहीं थी, तो इस वजह से मिस्टी बहुत गुस्सा हो गई थी। इसी वजह से उस दिन वो मदर को मारने वाली थी। फादर सामने आ गए और उनकी डेथ हो गई। सब बात पता चलने के बाद हार्ली जब घर पर आया तो एम्बर ऑलरेडी घर पर आ चुकी थी। उसके बॉयफ्रेंड से उसका झगड़ा हुआ था और उसने उसे मारा भी था। आज हार्ली डिस्टर्ब था तो रात में अचानक से कैली के घर पर पहुंच जाता है। कैली का हस्बैंड घर पर था तो हार्ली पर वो गुस्सा हो जाती है। कहती कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ बर्बाद नहीं करने वाली, उसकी फैमिली को छोड़ नहीं सकती। हार्ली कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अगर इन्हें अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना है तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए। हार्ली ने ये बात मान ली। कुछ दिनों बाद हार्ली से मिलने के लिए एम्बर आई। वो कहती है मैं फिर से मेरे बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ। हार्ली कहता है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्या तुम्हें इस तरीके से मार खाना अच्छा लगता है? एम्बर चाहती थी कि हार्ली उसे रोक ले, उसे घर में वेलकम करे। हार्ली भी उसे रुकने के लिए कह देता है तो एम्बर को भी ये बहुत अच्छा लगा। रात में साथ में घर पर आए। हार्ली बहुत ही ड्रंक हो गया था। वो सुबह देखता है तो एम्बर उसके पास ही सोई हुई थी। उसे लगता है कि रात में इनके बीच में कुछ हुआ, इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। एम्बर उसे संभालने की कोशिश करती है पर उसे दूर झटक देता है। एम्बर इस बात पर गुस्सा हो गई और कहती है मुझे तुम्हारे और कैली के बारे में सब कुछ पता है, तुम कभी भी उसे पा नहीं पाओगे। जिस तरीके से मिस्टी का घर में अब्यूज हुआ करता था उसी तरीके से बचपन में एम्बर का भी उसके फादर अब्यूज करते थे। इस बात के बारे में हार्ली को थोड़ा थोड़ा पता था, पर आज ये बात कन्फर्म हो गई थी। वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाकर सब कुछ उसे बता देता है और वो बहुत रोया। थेरेपिस्ट ने उसे समझा कि इन चीज़ों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम दोनों बहुत ही छोटे थे, किस तरीके से इस इंसिडेंट को तुम्हें डील करना चाहिए इसके बारे में तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं था। एम्बर जो भी करती है ये सारी सिचुएशन को डील करने का उसका वे है, उसे हेल्प की ज़रूरत है। हार्ली जब घर पर आया तो मिस्टी उससे बात करती है, कहती कि मैंने तुम्हें और एम्बर को सुना। उसने बताया कि एम्बर और मैं ज़्यादा अलग नहीं है, घर में दोनों की सिचुएशन सेम थी। हार्ली उसे कहता है कि तुमने जो भी किया इसके बारे में मुझे पता है। मिस्टी ने कहा कि तुम्हें बहुत पहले ही फादर को मार देना चाहिए था, हम दोनों को इन सब चीज़ों से गुजरना नहीं पड़ता। ये बात सुनकर हार्ली को बहुत बुरा लगता है। आज वो कैली से मिलने वाला था तो जगह पर पहुंच गया, वहां पर डायरेक्टली उसे कैली की डेड बॉडी मिलती है। उसने आसपास देखा तो एम्बर के पास उसकी राइफल थी। एम्बर कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए, अगर तुम कैली के साथ होते तो मेरा ख्याल कौन रखता। हार्ली कैली के पास ही बहुत रोया। वो फिर खुद पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देता है। उसने कहा कि मैंने ही कैली का मर्डर किया है। सारी सिचुएशन पुलिस को बता दी। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अगर तुमने कैली को मारा होता तुम दूर से भी उसे मार सकते थे, तुमने क्राइम सीन के पास उल्टी की, इसका मतलब है तुम्हें कर ही नहीं सकते थे, तुम खुद चलकर हमारे पास आए, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे लगता है कि मर्डर किसी और ने किया है। हार्ली एम्बर को बचाना चाहता था, वो आगे चलकर अच्छी लाइफ जी सकती है, पर हार्ली अपनी खुद की लाइफ को अच्छा नहीं मानता तो इस वजह से सारा ब्लेम अपने आप पर ले लेता है। पुलिस को उसने बताया कि मुझे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसी वजह से ये सब मैंने किया है। अब वो खुद ही स्टेटमेंट दे रहा है तो पुलिस कुछ भी कर नहीं पाते, उस पर सारा ब्लेम आ गया, उसे जेल में डाल दिया जाता है। थेरेपिस्ट को जब ये सब बात पता चली तो उसे वो मिलने के लिए आई। उसे बहुत बुरा लगा, उसे समझाने की कोशिश करती है तुम अपनी लाइफ को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते। हार्ली को लग रहा था कि अब तक उसने जो भी किया ये सब कुछ बहुत गलत किया है, घर की सारी सिचुएशन उसे पता ही नहीं थी,
उसे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। इस ब्लेम की वजह से वो खुद को सजा देना चाहता था, तो इस वजह से कुछ भी नहीं बोलता। जेल में उसे अपनी छोटी सिस्टर जोड़ी के लेटर्स मिलते रहते हैं। हार्ली के जेल में जाने के बाद सब सिस्टर उनके अंकल के यहाँ रहने के लिए चली गई। वहां पर वो सेफ थी और एक अच्छा फ्यूचर पा सकती थी। हार्ली अपनी फैमिली के लिए यही चाहता था, तो जेल में ही रह जाता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। क्राइम जो करता है उसे सजा तो होनी चाहिए, पर जो क्राइम देखकर नजरअंदाज कर देता है वो भी दोषी है। हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये मूवी हमें बात बता कर जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिएगा।